कितना मजा आ रहा है इतना। चलो तो सो दोस्तों हमारा आज का जो है ब्लॉग है उसका शुरुआत हो चुका है। जैसा कि आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं कि यहाँ हमारी फैमिली आई हुई है घूमने के लिए, और मेरा और रितेश भैया का जो मकसद है आज का वो ये है कि इनको राजमलपुर अच्छे से घुमाने के लिए और इस पल को एक यादगार बनाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे जो और परिवार के सदस्य हैं वो मंदिर के अंदर प्रवेश करके सूर्य देव को नमन कर रहे हैं। दोस्तों सूर्य देव को नमन करने के बाद हम लोग अपने पूरी परिवार के साथ यहाँ घाट किनारे आ गए फोटो शूट करने के लिए। सो दोस्तों गंगा किनारे और सूर्य भगवान के दर्शन करने के बाद हमारी जो है फैमिली थी वो चल गई थी सिंगी दलान, जहाँ पे जबरदस्त फोटो शूट चला। सो आप भी देखिए वहाँ पर क्या हुआ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने यहाँ मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि सिंगी दलान के गार्डन में एक भी झूला नहीं लगा हुआ था, पर इस बार गार्डन में झूला लगा हुआ है क्योंकि आज है 2 तारीख। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगी दलान में स्लाइड्स लगे हुए हैं और शीशों भी लगे हुए हैं जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ का क्या मस्त नज़ारा है, इंजॉय करिए इस नज़ारे को। दोस्तों यहाँ पर भी जबरदस्त क्या फोटो शूट चल रही है, देख सकते हो पीछे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मैना तलाव। मैंने अंकल और भैया से बात कर लिया तो उन्होंने बताया कि अभी हम लोग जा रहे हैं मैना तलाव, तो अच्छा, चलिए चलते हैं। गाड़ी के पीछे तो हैं आगे, चलो चलते हैं। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन में जो कि हमारा मैना तलाव, देख सकते हो वो पीछे मैना तलाव है। तो चलो आपको एक व्यू दिखाते हैं उसकी। दोस्तों यहाँ मैना तालाब के ठीक बगल में एक छोटा सा काली मंदिर है, तो हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स अब वहीं जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं वहाँ। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग आप देख सकते हैं मैना तालाब को देखने के बाद यहाँ पे सब आ गए हैं अब काली मंदिर में काली माँ के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं आपको एक छोटा सा व्यू अंदर का दिखा देता हूँ। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर है, ये अंदर से पूरा ऐसा है, देख सकते हैं कि ये हमारा भगवान है। यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं। सो दोस्तों मैना तलाव और माँ काली के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से चल गए थे कटघर, जहाँ पे मेरे साथ तो थोड़ा लड़ाई हो गया। वो कौन से लड़ाई, वो अगर आप लोग भी देखोगे तो आपको ही थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और वहाँ पे यार एक और चीज़ है, वहाँ पे यार हमें मिला पत्थर वाले चावल और गेहूं के दाने। बिलीव कर सकते हो, बिलीव नहीं हो पा रहा तो देखो क्या हुआ वहाँ पर। वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ अनाज मिली है, देख सकते हैं। दादाजी आप बताइए इसके बारे में। ये यहाँ अनाज मिला है जो श्रापित है, कोई राजा थे यहाँ। सो दोस्तों ये जो है अनाज यार, स्टोन वाली अनाज ये यार मुझे सच में गूज़बम्प्स दे रही है यार। दोस्तों यहाँ पे मार हो रहा है देख लो। रुको 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 थोड़ा सा। सो गाइस यार देख सकते हो, अरे बस 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 बहुत बहुत बस ज्यादा मत दो यार, अरे जा, अरे कितना दे रहे हो। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारी बुआ जी इन प्यारे बच्चों को केक खिला रही है। सो दोस्तों गढ़गढ़ जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ क्या हुआ। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग चल गए थे वहां से कन्हैया स्थान जहाँ। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आ चुके हैं कन्हैया स्थान, जो कि राजमहल का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। सो दोस्तों ये जो मंदिर के अंदर जाने वाला जो यार रैंप वाला जो रास्ता है मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर कोई हैंडीकैप आ रहा है यहाँ दर्शन करने के लिए तो उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक है।
ये प्रसाद है। तो गाइस हमें मिला है प्रसाद। तो दोस्तों मेरा जो है फ़ोन था उसका जो बैटरी हो गया डेड, सो मैं भी अपने भैया के फ़ोन से कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो यार मुझे क्वालिटी की यार आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो दोस्तों मैंने भी स्क्रीनशॉट में एक फ़ोटो लगा दिया है श्री कृष्ण और राधे जी की प्रतिमा का। अब चलिए इसके उस तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग बली और गरुड़ देवता की एक प्रतिमा बनी हुई है जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर चरण पादुका भी रखी हुई है। और यहाँ अंदर आइए जो कि मुझे यहाँ पर दिखी, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक शिवलिंग है ओके। और यहाँ पे आप देखिए क्या है, शिवलिंग के ठीक बगल में क्या है, एक शिला है जिसमें चित्र बनी हुई है जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सो दोस्तों कन्हैया स्थान घूमने के बाद हमारी यह जो फैमिली थी वो आप घूमने आई है जामा मस्जिद जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सो चलिए आपको लेके चलते हैं। और इसलिए अभी जो है टाइम हो गया, बज गया है पूरा 4, हम लोग लिख रहे थे 11 और अभी बज गया 4। तो दोस्तों हम लोग जामा मस्जिद के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ गार्डन है और बीच में एक रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ की थोड़ी रूल्स लिखी हुई जो कि आपको फॉलो करनी होगी अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जामा मस्जिद के अंदर। सामने शायद रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड। और ये चलिए हम लोग आप चलते हैं अंदर। सो दोस्तों यहाँ देख सकते एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर भी है ठीक सामने। और यहाँ देख सकते हो यार जमा मस्जिद गाइस मुझे लगा था तो यार छोटा सा होगा, पड़ी है तो यार सच में क्या ही बताऊँ। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सो दोस्तों होप कि आपको यह ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। अगर ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट भी इसे जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद जो बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलते रहे। सो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम लोग लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।